हे गाइस, गुड मॉर्निंग। लाइव फ्रॉम द वॉशरूम। एक्चुअली गाइस, मैं भी सुबह सुबह ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज संडे है, तो थोड़ा अपना भी केयर करना पड़ेगा। तो गाइस, आपको पता ही है कि मैं तो एक बहुत ही प्यारा चेहरा हूँ यूट्यूब पर, आप जानते ही हो। तो गाइस, आज क्या है कि सुबह सुबह मेरे खुद का केयर करना है, तो उसके लिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आज पहले फेस वॉश करूँगा। तो ये बॉम्बे शेविंग का कोई क्रीम है, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ठीक है? आपको जो लगाना लगाओ। मैं तो बचपन से साबुन ही लगाता था, अभी ये लगाने लगा हूँ, ठीक है? तो पता नहीं, अभी तो ठीक ही है, चलता है। ये चारकोल फेस वॉश है, थोड़ा मुंह धोता हूँ, ठीक है? और इसके बाद क्या है, इसमें और क्या स्टेप है वो करता हूँ। तो थोड़ा आप भी लोग भी केयर करो अपना चेहरे का, ठीक है? क्योंकि सबको भगवान इतना सुंदर चेहरा नहीं देता ना गाइस। मेरा पहला स्टेप है, मैंने फेस वॉश ले लिया अपने हाथों में। दुनिया के हर बच्चे को ही पता है फेस वॉश कैसे करते हैं, लेकिन क्या करो, यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए कुछ तो कंटेंट चाहिए गाइस। तो बस काला काला देखो, पॉलिश की तरह लगेगा देखने में आपको, क्योंकि चारकोल वाला है। तो गाइस, मैंने अपना सुंदर सा मुखड़ा धो लिया है, और अब इसे दोनों हाथों से मैं अपने चेहरे को धो रहा हूँ। गाइस ध्यान रहे, पानी नहीं वेस्ट करना, मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, ठीक है? ये नहीं कि आप अपना मुंह धो रहे हो और नल खुला छोड़ दिए, नेवर डू दैट, ठीक है? लाइफ इज प्रेशियस, बट वाटर इज प्रेशियस देन लाइफ, बिकॉज वाटर विल गिव योर लाइफ, ठीक है? तो ये गलती नहीं करो। तो थोड़ा जेंटली आप अपने मुंह को धो गाइस, लाइक कान वान भी धो लो, थोड़ा गर्दन भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस जेंटली करो, क्योंकि ये आपका चेहरा जो बहुत सॉफ्ट होता है। अब ये सब चीज़ें तो मैंने लड़कियों से सीखा है, उनका भी चेहरा सॉफ्ट होता है, तो अपना भी तो चेहरा सॉफ्ट ही होगा ना। भगवान तो कुछ ऐसा नहीं करता है कि किसी को सॉफ्ट चेहरा दे दिया, किसी को हार्ड शक्ल दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने चेहरे से प्यार करो गाइस, खुद से प्यार करोगे तो दुनिया तुमसे प्यार करेगी, ठीक है? तो इसीलिए खुद से प्यार करो, अच्छे से अपने चेहरे को धो। देखो मैं कितने प्यार से अपना चेहरा धो रहा हूँ। यस, फील करो, आप फील करो चेहरा धोते हो ना, फील करो उसको कि यार मजा आ रहा है। ऐसा नहीं क्या चेहरा धोना है भाग जाना है, नहीं नहीं वैसा नहीं करना है। अब ऐसा मत सोचो, ये नहीं कि ऑफिस है फेस वॉश करे निकल गए, वो सब है नॉर्मल रूटीन। आज है संडे का रूटीन, और संडे इज अ फन डे। तो भाई, मैंने काफी दिन बाद चेहरा धो लिया है, इसे अब थोड़ा से पानी से धो लेता हूँ। तो गाइस देखो, आप मैं अच्छे से पानी से इसे धो रहा हूँ चेहरे को, कि जितना ही फॉर्म है वो निकल जाए। मेरी आंखें बंद है गाइस वीडियो बनाने के टाइम, तो आप ये मत सोचना कि मैं चेहरे छुपा रहा हूँ। और गाइस देखो, थोड़ा तो मतलब पानी लगने के बाद चेहरा तो थोड़ा साफ हो गया है। तो गाइज, मैंने अपना चेहरा साफ कर लिया फेस वॉश करने के बाद। ये एक स्क्रब है, ठीक है? तो इसको भी क्या है ना, उससे थोड़ा अपने मुंह में जो इतने यहाँ वीक में जो बाहर जा रहे हो, इतना डस्ट में जा रहे हो या रास्ते में इतनी कचरा है, अभी क्या करें? यूट्यूब तो इतना पैसा देने लगा कि मैं गाड़ी से आना जाना करूँ, तो मेरे पास तो बाइक ही है, ठीक है? तो उससे थोड़ा फेस पे क्या होता है ना, थोड़ा ये डस्ट जम जाता है, तो स्क्रब करने से ये थोड़ा साफ हो जाएगा, मतलब क्लीन हो जाएगा, बस क्लीन करने के लिए, ठीक है? तो इसीलिए, बाकी तो भगवान का दिया हुआ सुंदर शक्ल है गाइस। तो गाइस देखिए, मैंने अपना चेहरा धो लिया है, तो क्या चेहरा क्लीन हो गया, और आपका भाई और भी स्मार्ट लग रहा है। तो गाइस अभी यह है कि इसके बाद मेरे को करना है स्क्रब। तो मैंने आपको स्क्रब पहले दिखा दिया था, तो ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, टेंगड़ी कबाब के साथ जो चटनी की तरह आती है ना, ग्रीन चटनी, ठीक है? दही वाली, पुदीना वाली, वैसी चटनी की तरह दिख रहा है। इसे फेस पे लगा लो आप। ये थोड़ा स्क्रब आप लोग भी जानते हो कि थोड़ा उसमें नेचुरल तो क्या ही बोलूँ, फल वल का कुछ मटेरियल तो रहता ही होगा, पता नहीं, कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं मेरी तरफ से। तो लगाओ मत लगाओ, आपका मर्जी, मेरे पास पड़ा हुआ था मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस स्क्रब लगा लिया हूँ, सेम प्रोसीजर है, चेहरे को अच्छे से मले। दाढ़ी गाइस, अपना दाढ़ी अगर आप लोग का ना मूछ है, बहुत अच्छे से स्क्रब करना,
क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है दाढ़ी मूछ पे ना डस्ट जमा रहता है, उन्हें पता भी नहीं चलता, उनको लगता है कि वो सब KFC के रॉकी भाई लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दाढ़ी है, मूछ है, ज़्यादा है, छोटा है, कम है, सबका अपना अपना भगवान का दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा क्लीन रखो आप। और इसका पर्सनल भी एक बार बताता हूँ गाइस, कभी कोई लड़की आपको किस करने आएगी, देखेगी दाढ़ी है, गंदा है, किसने करेगी, भाग जाएगी, ठीक है। आप लोगों का सोच तो गलत होगा कि दाढ़ी पे क्यों किस करेंगे भाई, और भी जगह है। नहीं नहीं थोड़ा नॉर्मल होकर सोचो आप, ठीक है। तो स्क्रब भी अच्छे से करो गाइस, जेंटली करो, ठीक है, और ज़्यादा देर तक नहीं रगड़ना चेहरे पे, वैसा कुछ नहीं कि ज़्यादा रगड़ने से कुछ ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड मैक्स, 1 मिनट तक थोड़ा देख लो, रगड़ लो प्यार से अपने आईब्रोज पे, आँख के पास, बहुत जोड़ी आँख के पास गाइस, बहुत जोड़ी, इसको हल्के हल्के ऐसे घुमाओगे ना तो थोड़ा आँख पे मसाज भी होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा आँख बंद करके ना इसको हल्का हल्का ऐसे करो तो ये मसाज जैसा फील होगा आपको, ठीक है। फिर गाइस क्या है, सेम स्टेप मुँह को धो लेना है, देखो यस, देखो मुँह धो लिया मैंने, तो थोड़ा रिफ्रेशिंग है, चेहरा साफ लगता है, अच्छा लगता है। गाइस जिंदगी में कुछ भी करो ना खुद के लिए, तो एक बात बोलूँगा, उसको प्यार से करो, ड्यूटी समझ के मत करो। मान लो अपना स्किन केयर भी कर रहे हो, इसीलिए लड़कियां हमसे आगे निकल जाती है गाइस, क्योंकि उन लोग लड़की लोग अपनी लाइफ में जो भी करती है ना वो बहुत प्यार से करती है, बहुत दिल से करती है, ठीक है। अगर मैं आपको बात बताता हूँ, आप लोग मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन एक लड़की सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करती है, तो हम लड़कों को भी ऐसा सोचना चाहिए कि पहले खुद से प्यार करो तो आप ये दुनिया से प्यार कर सकोगे, ठीक है। तो देखो ना थोड़ा प्यार से अपने चेहरे को दो, रगड़ना नहीं है, जेंटल मूवमेंट, एकदम फील करो कि आप श्रद्धा कपूर का मुंह धो रहे हो, बस। फिर आप देखो नहीं गलती गलती मत सोचो, मतलब ऐसा फील करो, देखो गाइस कोई भी फिल्टर कोई भी लाइट का इफेक्ट नहीं गाइस, जैसा था वैसा ही है, लाइव आपको अपना सकल धोके दिखा रहा हूँ और आप देखो कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो गाइस मैंने अपना चेहरा वॉश भी कर लिया है और मैंने चेहरा को स्क्रब भी कर लिया है, थोड़ा हल्का नमी है अभी चेहरे पे, ठीक है। तो गाइस मैं बता रहा हूँ इसके बाद अभी मैं इसके ऊपर अपने चेहरे पे, मतलब बहुत ही आयुर्वेदिक, बहुत पुराना, ठीक है, बहुत ज़माने से चला आ रहा है, अभी तो उसको कंपनियाँ पैकेट में भी करके बेच रही है, तो आप ये देखो, इसे कहते हैं मुल्तानी मिट्टी, एकदम ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, कहीं भी जाओ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने तो क्या करूँ, अभी तो मेरे को ऐसे नेचुरल तो कुछ ऐसा पता नहीं चला था, लेकिन ये कंपनी दावा करती है कि ये नेचुरल है, तो मैंने इसे ले लिया है। और गाइज इसको मैं थोड़ा अभी अपने सकल पे लगाऊंगा, मैं हर संडे से लगाता हूं। तो गाइज आपको बताता हूं कि अगर आपको एक टिप है, अगर आप चाहते हो कि आपका थोड़ा डेली आपको आना जाना है बाहर, आपका डेली का ट्रैवल है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, तो गाइज मैं आपको, तो गाइस एक और टिप है कि जैसे मुल्तानी मिट्टी मैं पानी में घोल रहा हूँ, तो आप एक काम कर सकते हो, आप मुल्तानी मिट्टी आपको मन है तो आप रोज़ वाटर में भी घोल सकते हो, वो भी मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होता है, तो अभी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो मैं पानी में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये भी एक प्रो टिप है, ठीक है, जिससे और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और मुल्तानी मिट्टी जिस तरह से फ़ायदेमंद है, रोज़ वाटर भी है, अगर आप ऑफिस जाते हो या ऑफिस पहुंच गए या फिर ऑफिस से आए, आपको थोड़ा टाइटनेस लग रहा है ना, तो थोड़ा एक रोज़ वाटर को घर पे रखो आप, ठीक है, तो हल्का हल्का ना फेस पे छीट लिया करो, तो मतलब हमेशा चेहरे पे ना मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, ड्राई नहीं होगा चेहरा, जो आपके लिए चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस अभी मैं आपको मुल्तानी मिट्टी घोल कर दिखाता हूँ, बनाता हूँ उसको, ठीक है, उसके बाद अपने फेस पे उसको पोतूंगा, ठीक है। तो गाइस मैंने मुल्तानी मिट्टी को डाल दिया है इस पर छोटे से कटोरे में, और मैं पानी को इससे थोड़ा मिला रहा हूँ, ठीक है। फिटकरी मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरे पास है नहीं, खत्म हो गया है, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से आप मिला लो, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा ही रखना, ये नहीं कि इसको थोड़ा पानी पानी आप कर दो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसको थोड़ा गाढ़ा रखो आप तो ज़्यादा सही रहेगा लगाने के लिए, ये आपके फेस पे आना चाहिए। देखिए मैं अभी
मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा रहा हूँ। तो गाइस आपको लगाना कैसे है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है भाई, सभी जानते हैं, कुछ सिखाने की बात तो है नहीं। ठीक है, ये देखो आप इसको ऐसे हल्के हल्के चेहरे पे लगाओ और कोशिश करो कि आप इसको मैक्सिमम अपने चेहरे को कवर कर सको जहाँ तक हो पाए। ठीक है, मन कर रहा है कान मन में भी लगा लो क्योंकि इसके बाद तो आप नहाओगे। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी लगा के तो बाजार नहीं जाना ना आपको, घर पे ही रहना है, तो भर के लगाओ। ठीक है, बस डिलीवरी बॉय आए तो गेट किसी और को बोलना खोलने के लिए, क्या है ना कि डर जाते लोग। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सर पे भी लगाओ। तो गाइस देखो, मुल्तानी मिट्टी का फायदा ये है ना कि आपका जो स्किन है डेली डेली सूरज जी मतलब हमारे सूरज भगवान जो है थोड़ा इसको परेशान करते स्किन को, तो आपको ये लगाने से बहुत फायदा होगा। ऐसे मार्केट में बहुत सनस्क्रीन है लेकिन मेरे को नहीं लगता कि साइंस इतना डेवलप हुआ है कि सूरज भगवान का रोशनी से बचा लेगा। तो ये थोड़ा कर लोगे तो आपको फायदा ही होगा। ठीक है गाइस, ये लगा लो अच्छे से, जहाँ जहाँ गैप है वहाँ लगाओ। ठीक है, अच्छे से लगाओ, थोड़ा इसका लेप बोलते हैं इसको, तो अपना लेप को थोड़ा गाढ़ा बनाओ। ठीक है, समझ लो अपने ऊपर पेंटिंग कर रहे हो, या भी समझ लो कि आप श्रद्धा कपूर के सर पे पेंटिंग कर रहे हो, बस फील ले लो आप। जब फील ले लोगे तो देखो रिजल्ट भी इधर सामने आएगा। गाइस मैं बता रहा हूँ, जो करो बहुत प्यार से करो। देखो तो आपका फेसबुक मतलब आपका फेस पूरा भी कवर हो चुका है। तो गाइस मैं बोलूँगा ये लगाने के बाद एक बार साथ में अपन लॉर्ड पुनीत के साथ चिल्लाएंगे, ठीक है, और वेट करेंगे इसको तो सूखने का। तो गाइस सूखने का वेट करिए। तो गाइस जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने अपने मुंह में पूरा लेप पोत लिया है। तो गाइस अब इसके लिए क्या है ना, मेरे को 15 मिनट्स रुकना पड़ेगा क्योंकि ये सूखेगा, तो 15 मिनट्स तो मिनिमम लगेगा ना। तो गाइस 15 मिनट्स के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 15 मिनट्स मैं रुक के देखता हूँ। आज हॉटस्टार पे एक मूवी रिलीज़ हुई है किल, तो मैं थोड़ा किल देखता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा प्लान भी यही है कि मैं थोड़ा मूवीज़ वगैरह ये सब देखूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। ठीक है गाइस, तो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट के बाद मैं वापस आ चुका हूँ। तो आप देख रहे हो तो थोड़ा थोड़ा ये ड्राई हो चुका है, थोड़ा देखो ये ड्राई हो चुका है। तो गाइस पूरा फेस पे ड्राई मत होने देना, तो उससे क्या होता है ना कि वो फेस सिकुड़ जाता है थोड़ा चेहरा का, तो नरिशमेंट चला जाएगा जो हमने इतना मतलब ये क्यों किया जा रहा है कि हम फ्रेश फील करें। ठीक है, देखो भाई भगवान ने जैसा बनाया अपन वैसे ही रहेंगे, ये सब करके अपन एकदम गोरे नहीं हो जाएंगे। तो मेरा एक बहुत पर्सनल सजेशन है गाइस कि डिस्क्रिमिनेशन मत करो, गोरा काला ये सब नहीं होता। ठीक है, अपन सब रब के बंदे हैं, सब अच्छे दिखते हैं। ठीक है, तो बस क्या है कि अपना स्किन का केयर करो कि वो ख़राब ना लगे, ठीक है, बुरा ना लगे। ठीक है, क्योंकि अगर स्किन आपका बहुत अच्छा लगेगा, देखने में अच्छे लगोगे, फ्रेश फील करोगे, फ्रेश लुक रहेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी ना बूस्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस अभी मैं देखता हूँ थोड़ा फेस को धोता हूँ उसको, अभी इसको क्लीन करना है मुझको। क्लीन करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा फिर मैं उसके बाद क्या करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देखो इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ पहले फिर चेहरे को। तो गाइस इसको भी बहुत ही जेंटली आपको वॉश करना है, जहाँ सूख चुका होगा ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही हल्के हल्के से आस्ते आहिस्ता आहिस्ता करके आपको निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि रब करना, रब करोगे गाइस तो फिर चेहरा छिलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये त्वचा बहुत ही ज़्यादा नाजुक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो ये देखो आप मैंने इसको आहिस्ता सा क्लीन किया है, पहले आँख कर देता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि वीडियो पे मेरा चेहरा कहाँ आ रहा है, तो जब तक क्लीन नहीं होता मैं देख नहीं सकता। देखो गाइस अभी मैं नाक अपना अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, ये देखो आप आँख बहुत जरूरी है आँख के कोनों में गाइस, ये सब जगह जो है ना ये सबसे ज़्यादा गंदा चेहरे में यहीं पे आती है धूल मिट्टी। ठीक है, हम हर दिन सुबह उठते हैं चेहरा साफ करते हैं लेकिन एक डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कान वगैरह में मैंने थोड़ा लगा लिया था जोर शोर में। देखो गाइस तो अभी
सर के पास से थोड़ा प्लीज करता हूँ, हेयर लाइन जाए ठीक है। ऐसे ये बाल पे भी लग गया तो कुछ नहीं होगा गाइस, इसमें इतना केमिकल्स तो नहीं है, मुल्तानी मिट्टी नेचुरल है। आपको जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक ही किसी प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, आपको लोकल शॉप से भी मिल जाएगा ठीक है। तो ऐसा आपको ज़्यादा एक्सपेंस मत करना, तो अपने बजट के हिसाब से देख लेना, जो जो चीज़ें इजली अवेलेबल है उन चीज़ों का ही कोशिश करें। नहीं तो ऑर्गेनिक के नाम पे और नेचुरल प्रोडक्ट के नाम पे, पहले जैसे नेचुरल खाया था, आजकल वर्ल्ड बदल गया है, आजकल वर्ल्ड हो गया ऑर्गेनिक, तो उसके नाम पे ना लोगों को बहुत काटा जा रहा है, स्किन केयर के नाम पे बहुत ज़्यादा। देखो हम लोग लड़के लोग हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है ठीक है, तो ज़्यादा नहीं ठीक है, ये नॉर्मल मैंने चीज़ें आपको दिखाई जो मैंने भी किया है। तो गाइस देखो मेरा चेहरा क्लीन हो गया है, तो थोड़ा सा पूछते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा गमछा है ठीक है। तो हम तो अपन देसी लोग हैं ठीक है, तो ये हमारा गमछा है, तो चेहरे पर ऐसे रब करके नहीं पोछो गाइस ठीक है, उसको टैप करना सीखो ठीक है। टैप करोगे तो चेहरा कभी भी ना आपको डैमेज नहीं होगा, आपको ना इतना देखो लोग बोलेंगे अपना टाइम नहीं है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें ना संडे करो, बस एक दिन जिस दिन आप खुद के लिए टाइम निकालोगे ना गाइस, मैं बता रहा हूँ बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे ठीक है। तो दुनिया के तो जो लगा हुआ है वो तो लगा ही हुआ है, लेकिन खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल लो तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब फ्रेश हो जाओगे तो बढ़िया लगेगा ठीक है। देखो मेरा भी चेहरा बहुत क्लीन लग रहा होगा आपको, तो इसमें कोई ऐसा कोई इफेक्ट या फिर मैंने फिल्टर नहीं लगाया ठीक है, क्लीन आ रहा है। हाँ ये है कि लाइट है थोड़ा ठीक है, तो लाइट है तो देखो आपको थोड़ा अगर तो मेरा चेहरा बहुत क्लीन लगेगा आपको ठीक है। अब देखो डार्क सर्कल्स वगैरह तो है यार, क्या करो, रात को जगता हूँ ठीक है, कुछ ना कुछ तो चलता रहता ना। अब YouTube वाले थोड़ा पैसा देने लगेंगे तो फिर हमें भी रात जगने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है, बढ़िया। हे गाइस, तो देखिए ये है टोली मोली का शीट मास्क, तो गाइस ये थोड़ा रिव्यू वगैरह देख के मैंने लिया है, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो आपको दिल करे लगाओ नहीं दिल करे लगाओ मत लगाओ, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो बात चेहरे की है ठीक है, तो मैं नहीं बोलूँगा स्किन के साथ आप कोई भी खिलवाड़ करो। तो ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है, सूट करता है मेरे को, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं, एक शीट की तरह है गाइस, इसको फेस पे लगाऊंगा ठीक है, और 20-30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा अभी देखो अपने चेहरे को इतने बार धोया है, इतना कुछ हमने उस पर किया है तो थोड़ा ड्राई हो गया, इसको लगाकर थोड़ा 30 मिनट्स तक छोड़ने के बाद क्या है ना, चेहरा अपना मॉइस्चर फिर से पकड़ लेता है ठीक है। तो ये गाइस अभी मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। तो गाइस देखिए मैंने अपने चेहरे पे इसको पूरा अप्लाई कर दिया, तो ये मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब इसको चेहरे पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर यहाँ वहाँ मूव कर जाता है, देखो आप अगर देख रहे होगे तो गाइस को ऐसे अप्लाई करना ना कि आपके चेहरे पे सब तरफ ये चिपक जाए पूरा ठीक है, स्टिकर की तरह ठीक है, स्टिकर नहीं है गाइस, आराम से निकाल सकते हो। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि दाढ़ी वालों का एक प्रॉब्लम है, अब नीचे से मेरी दाढ़ी है, यहाँ पे थोड़ी मूंछ है, तो वहाँ ये नहीं चिपक रहा है ठीक है। तो एक्चुअली तो ये एक लेडी प्रोडक्ट है, तो लेडीज़ के तो चेहरे पर ऐसा होता नहीं है, तो उनका पूरा चेहरे पर आ जाता है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, तो आप देख रहे होगे नाक के पास यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर उठा हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। इसके बाद भी है स्टेप जो मैं बताऊँगा ठीक है। गाइस मैंने अपने शीट मार्क्स को हटा दिया है फेस से ठीक है, और उसको ना थोड़ा मैं एक जस्ट मतलब आपको बता रहा हूँ, ये बढ़िया है कि उसमें ना थोड़ा सीरम रहता है, तो उसको आप गाड़ के थोड़ा निकाल के ना अपने मुंह पे लगा के अच्छे से मसाज कर लो, तो उससे क्या था मुंह पे ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक है, तो आपको बड़ा बढ़िया सा फील आएगा, चेहरे को सको ना बहुत सॉफ्ट लगेगा एकदम छूने में ठीक है, वो सीरम सूख ले जाता है। तो गाइस सीरम को मैं थोड़ा ऑब्जॉर्व करने के लिए 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दिया हूँ, थोड़ा ऑब्जॉर्व हो जाता तो मैं नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। गाइस सीरम सूख गया है मेरे चेहरे पे, तो अब मैं एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने जा रहा हूँ, तो इसका नाम है सेरावे। वैसे तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है ठीक है, ये थोड़ा बाहर का प्रोडक्ट है, US वगैरह में चलता है, इंडिया में आपको थोड़ा दिक्कत होगा मिलने के लिए ठीक है, तो मैंने इसे मंगवा लिया है ठीक है। देखिए मेड इन USA दिखा आपको दिखेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है ठीक है। तो गाइस अभी से मैं अप्लाई करूँगा अपने चेहरे पे ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसे मॉइस्चराइजर मुंह पे लगाता हूँ। तो
तो गाइज़ इस प्रोडक्ट का मैंने आपको बता ही दिया, एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं भी लगाऊंगा अपने चेहरे पे। तो गाइज़ एक प्रो टिप है, देखो ये टब के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये मैंने बाहर से मंगवाया था, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन मैं और भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। आप कभी भी जैसे ट्यूब वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो ट्यूब क्या है ना, एक सेफ्टी एड के साथ आता है कि आप उसको जब प्रेस करते हो सामने से निकलता है, तो कभी भी आपके हाथ गंदे भी है तो कुछ भी उस पर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन टब वाला प्रोडक्ट है तो आप अपना हाथ कृपया धो लें जब भी यूज़ करें। तो इससे क्या होगा ना, जिस तरह से मतलब ये सेफ रहेगा, मैंने ख़राब नहीं होगा। काफ़ी दिन के लिए अपन खरीदते हैं, पैसे लगा खरीदते हैं, तो एक बस प्रो टिप है। तो अपने हाथों को धो लें, उसके बाद आप उसको लगाएं। तो ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा सा आप ले लो, ठीक है, और चेहरे पर अप्लाई करो, ठीक है, और फिर इसको हल्का हल्का मसाज कर लो, ठीक है। तो गाइज मैं इसे लगा चुका हूँ चेहरे पे, ठीक है, अब मैं इसे कर लूँगा मसाज। तो गाइज यहाँ पे मेरा आज का संडे जो रूटीन है अपने चेहरे को क्लीन वगैरह करने का ख़त्म होता है वीडियो। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करो, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालो। देखो आपको कोई पैसे कमाने के लिए मोटिवेट करेगा, कोई किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा, कोई जॉब के लिए मोटिवेट करेगा, बिजनेस के लिए करेगा, ट्रेडिंग के लिए करेगा। मैं आपको बोलूँगा भाई मोटिवेट हो जाओ खुद के लिए, और जितना खुद से प्यार करोगे उतना दुनिया आपसे प्यार करेगी। आप खुश रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका काम सब अपने आप ही होता चला जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे स्टेज पर आ गए हैं अभी लाइफ का कि हमें खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ कि अगर खुद का केयर कर रहे हो, जिम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपना मसाज वसाज कर रहे हो उस चेहरे पे या कुछ भी कर रहे हो, तो मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा उस चीज़ पे। तो गाइस देखो मैंने अपने चेहरे पे इसको पूरा अप्लाई कर लिया है, तो ज़्यादा रब नहीं करना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एकदम श्रद्धा का पूरा गाल समझ के आप इसको प्यार प्यार से करो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया है। तो गाइस आज का संडे का मेरा रूटीन यहाँ ख़त्म होता है, दिन शुरू हो चुका है, ठीक है। मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठा था गाइस, क्योंकि संडे बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप देख रहे हो मेरे घर पे लाइट वगैरह जल रही, तो वीडियो बनाने के लिए लाइट जल रही थी। तो गाइस अभी एक्चुअली काम ये है कि अब सुबह पूरा दिन मेरे को बहुत सारा काम करा, तो ये करके मैं थोड़ा अभी घर पर ही रहूँ। लेकिन मैं गाइस सबको यही बोलूँगा कि आप अच्छे से नींद लो, एटलीस्ट 6 to 8 hours का नींद लो, और साथ में ये थोड़ा अपना केयर करो, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना। अपने को बॉलीवुड में नहीं बुला रहे, ठीक है, तो उसका चिंता नहीं करना है आपको। आप खुद का अपना थोड़ा केयर करो, खुद खुश रहो, बस मेरा यही कहना है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करो, फिर से एक अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।